नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा फॉर्मूला जो आपके बच्चों को जीनियस बना सकता है। जी हां, आज हम आपको कुछ ऐसे सुपर जीनियस बच्चों से मिलाने वाले हैं जो आंखें बंद करके भी ऐसे बहुत से काम कर देते हैं जो हम और आप शायद आंखें खोल के भी कई बार उतने परफेक्टली ना कर पाते। जी हां, ये बच्चे ये काम कैसे करते हैं, इनको ये ट्रेनिंग कैसे मिली और इनका कमाल क्या है, हम आपको इन बच्चों से मिलाएं। उसके पहले फटाफट इस रिपोर्ट में देख लीजिए। प्रेस राहुल सिन्हा 1911-1977 जी न्यूज। आज आपकी आंखों के सामने जो होगा उस पर यकीन करना मुश्किल होगा। ये बच्चे आज जो करेंगे उसे देखकर कंप्यूटर भी डर जाएगा। देखिए इन बच्चों को क्या कर रहे हैं। इसके बारे में है ये किताब, इसके बारे में ये किताब से हवा नहीं कर रहे बल्कि ये बच्चे ऐसे ही किताब हिलाकर दो मिनट में पूरी किताब पढ़ लेते हैं। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये बड़े ही आराम से कुछ भी पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रेस राहुल सिन्हा 1911-1977 जी न्यूज कॉरेस्पॉन्डेंट। और अब जो आपके सामने होगा वो विज्ञान के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी। ये सब बच्चे आंखों पर कपड़ा बांधकर सामने बैठे आदमी के शरीर के अंदर जाकर उसमें छिपी बीमारियों को चुटकियों में बता देते हैं। दांतों में थोड़ी कैविटीज थी, घुटनों में लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम थी उनकी। क्या ये कोई जादू है या नजरों का फेर या फिर कोई तरकीब। किसी आदमी की उनकी बड़ी लंबी लंबी मूंछ है व्हाइट कलर की। 1997 से जापान के हजारों बच्चे ऐसा ही सब कुछ बड़े आराम से कर रहे हैं। अब भारत में आपका बच्चा भी ये सब कुछ कर सकता है, लेकिन कैसे ये देखिए। बहुत देर नहीं करते, हम फटाफट आपका उन बच्चों से तारुफ कराते हैं जो हमारे साथ आज यहाँ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और ऐसे सुपर जीनियस बच्चे हैं जिनसे मिलने के बाद आप भी चाहेंगे कि आपके बच्चे भी काश ऐसे सुपर जीनियस हो जाते। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए स्टूडियो में परीक्षित का। परीक्षित, मैंने सुना है आप आंख पर पट्टी बांध के काफी कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो हम नॉर्मली नहीं कर पाते, खास क्या करते हैं आप। मैं ये आग पे पट्टी बंद करके रूबी क्यूब बना लेता हूँ जो 2 से 3 मिनट में। 2 मिनट में आप बना देते हैं, पक्की बात है। मुझे तो लगता है 2-2 घंटे लग जाते हैं लोगों को इसे बनाने में। मैं इसको थोड़ा सा बिगाड़ देता हूँ पहले। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ सेट कर रखा है इसमें कि आप अपने हाथ से टच करते हैं और फिर आपको पता लग जाता है कि इसमें क्या करना है कैसे करना है, ऐसा तो नहीं है। नहीं, नहीं। पक्का? पक्का। तो चलिए, मैंने कोशिश तो की है, मुझे तो बिगाड़ना भी नहीं आता, आप कह रहे हैं आपको बनाना आता है। तो मैं आपके पास रख देता हूँ इसको, अभी हम पट्टी बनवाएंगे आपकी आंख पर और फिर आपसे टेस्ट करेंगे। हमारे साथ मृदुल भी है, मृदुल स्वागत है आपका। आप क्या करते हैं। मैं 360 डिग्री कर लेता हूँ, मेरी आंख पर पट्टी बंदी होगी और मेरे सामने कुछ भी रख दो मैं कर लूंगा सेंस। कुछ भी बिना आपको बताए, पक्की बात, टेस्ट करेंगे हम। चलिए ठीक है, तो स्वागत कीजिए मृदुल का भी जोरदार तालियों के साथ। और साथ ही हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में ध्रुव भी मौजूद है। ध्रुव आप क्या करते हैं। मैं आंख पे पट्टी बांध के बुक रीड कर लेता हूँ। आंख पे पट्टी बांधकर आप किताब पढ़ लेते हैं। सच में पूरी किताब पढ़ सकते हैं बिना ऐसी भी कोई भी किताब जो आपने पहले कभी ना पढ़ी हो। इंग्लिश में हिंदी में। इंग्लिश। इंग्लिश में, हिंदी नहीं पढ़ पाते, मतलब आपकी उंगली में हिंदी वाली आंख नहीं है। चलिए एक एक परिचय आप सर करा दें। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में तुषार भी मौजूद है। तुषार वैसे तो मैजिशियन है, लेकिन तुषार को आज हमने खास तौर पर इसलिए बुलाया क्योंकि एक जादूगर होने के साथ साथ उन्होंने विज्ञान की बहुत सारी ट्रिक्स पर भी काबू पाया है। तो तुषार से भी आज हम पूछेंगे क्या वाकई ऐसे दिमाग रीड किया जा सकता है, क्या वाकई ऐसे सेंस करके ये महसूस किया जा सकता है कि सामने जो चीज रखी है उसका रंग क्या है, उसका आकार क्या है, या वो चीज क्या है, खुद उसका परिचय क्या है। स्वागत है तुषार आपका भी हमारे स्टूडियो में। लेकिन हम इन 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 तीनों बच्चों के साथ हम कुछ टेस्ट करें, उसके पहले आपके पीछे जो बहुत सारे बच्चे बैठे हैं वो चाहते हैं कि आपका टेस्ट हो जाए, उनको पता तो लगे कि तुषार क्या खास है, इस किस लिए यहाँ पर आए हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मेरे ख्याल से आज यहाँ पर हमारे साथ स्कूल के बच्चे बैठे हैं और कुछ बच्चे हैं यहाँ पर कि उन्होंने चश्मा पहन रखा है। अगर आप अपना चश्मा मुझे देना चाहें तो थोड़ी देर के लिए, और कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर इस चश्मे पर फोकस हो सके तो मैं इनको नीचे रखना चाहूंगा। अपनी चश्मे पर नजर रखिएगा आप सब, ये चश्मा आपका है मेरा नहीं। एंड आई एम गोइंग टू डू समथिंग व्हिच इज कॉल्ड साइंस
पर हम इसे एंटरटेनमेंट के लिए बताते हैं. दिस नॉट मैजिक बियॉन्ड मैजिक, दैट इज साइंस. लेट्स सी, आई वुड रिक्वेस्ट वन एंड ऑल टू कीप योर आईज हेयर. तो चलिए तुषार, आज हमने आपको वैसे इसलिए बुलाया कि हमारे साथ ये जो तीनों बच्चे आए हैं और तीनों सुपर जीनियस हैं, तो उनका टेस्ट करें या उनकी जो खासियत है उसको आपके जरिए थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. बिल्कुल. और एक पर्चे और करा दें लास्ट में. हमारे साथ डॉक्टर एनके शर्मा मौजूद हैं. स्वागत है डॉक्टर एनके शर्मा आपका भी स्टूडियो में. डॉक्टर एनके शर्मा वो शख्सियत है जो इस जापानीज विज्ञान को कहिए या जापानीज आर्ट को कहिए, उस कला को भारत में लेकर आए और इन बच्चों को सुपर जीनियस बनाने की कोशिश वो अपने पास अल्लाह कर करते हैं. तो बहुत देर नहीं करते, फटाफट आपकी आंखों पे पट्टी बांध दें. चलिए, हमें थोड़ी सी मदद चाहिए होगी आपके आने. प्लीज आप आइए, फटाफट इन तीनों की आंख पर पट्टी बांध दीजिए और उसके बाद हम इन तीनों के साथ शुरू करते हैं कि ये क्या कर सकते हैं. अच्छा, जिस जिसकी आंख पर पट्टी बांध रहे हैं हम, जरा ये भी बताते चलिएगा. ध्रुव, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? नाइन्थ क्लास में पढ़ते हैं. कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? ऑक्सफोर्ड. मृदुल, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? सिक्स क्लास में पढ़ते हैं आप. कौन से स्कूल में? केयरमंगलम. अच्छा, दो मिनट यहाँ से थोड़ा दूर. आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या हैं? मेरा है मैथ्स और साइंस. मैथ्स और साइंस. अच्छा, कभी आपने ये चीज सीखने के बाद अपनी जिंदगी में कुछ और फर्क महसूस किया है, कुछ बाकी चीजों को लेकर? आप पट्टी बांधते रहिए बाकी चीजों को लेकर के आप कुछ और चीजें जो बाकी लोगों को पता नहीं लगती वो सेंस कर लेते हैं जल्दी? हाँ, थोड़ा थोड़ा कर लेता हूँ. दिख रहा है आपको नीचे? पक्का? मैंने क्या किया? आपने ऐसे वेव किया. अच्छा, मैंने ऐसे वेव किया, आपको पता लग गया, तो इसका मतलब आपको दिख रहा है? नहीं. पक्की बात? पक्की. तो चलिए हम एक काम करते हैं, हम तीनों को चेक कर लेते हैं एक बार और इनको भी चेक कर लेते हैं साथ में. मैंने कितनी फिंगर्स रखी आपके सामने? थ्री. पक्की बात है? पक्का? तो चलिए, इसका मतलब यह है कि आप देख तो नहीं पा रहे. कितने फिंगर्स है आपके सामने? मैं बुक रीड ही कर सकता. आप बुक ही रीड कर सकते हैं, आप फिंगर्स रीड नहीं कर पाएंगे. कितनी? चलिए, ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि अभी हम बुक रीड नहीं कराएंगे आपसे, अभी तो हम सिर्फ ये टेस्ट कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते. एक बात तो तय है कि ये तीनों देख नहीं सकते. अब हम शुरू करते हैं. परीक्षित, आपसे आपने कहा कि आप इस रूबी क्यूब को दो मिनट के अंदर अंदर पूरी तरह से वापस बना सकते हैं, तो चलिए बनाना शुरू कीजिए. आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है अब. डॉक्टर शर्मा, हम साथ साथ बात करते रह सकते हैं? हाँ, या इनका ध्यान भंग होता है उससे? हाँ, नहीं, इनका ध्यान भंग नहीं होगा, ये अपने आप करते रहेंगे. तो आप बताइए कि आपके दिमाग में आया कहाँ से कि इस चीज को भारत में लाया जाए और बच्चों को सिखाया जाए? देखिए, इस बात को तो मैं शुरू से जानते था क्योंकि मैं मिस्टिक फील्ड में ही हूं कि हमारे अंदर कुछ एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन होते हैं, तो हम उस चीजों को डेवलपमेंट करने का अभी तक हमारे एजुकेशन में कोई सिस्टम नहीं है. तो और ये जो साइकिक सेंसर जो हमारे अंदर है वो नेचुरल गिफ्टेड है, तो अगर इनको एक बच्चों को या बड़ों को भी अगर इसके अंदर प्रॉपरली उनको ट्रेन किया जाए एक कुछ घंटे या कुछ दिनों तक, तो फिर ये सारे काम हर व्यक्ति इसको कर सकता है और बच्चे खास तौर पे ज्यादा अच्छी तरह से. अच्छा, और इसमें क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बच्चे कर लेते हैं? बच्चे तो इतना सब कुछ आजकल करने लग गए हैं कि जो बड़ी हैरानी की बातें हैं वास्तव में, कि जहां तक किताबें पढ़ लेना, विचार पढ़ लेना, मतलब हम जो क्या सोच रहे हैं दिमाग में उसके विचारों को पढ़ लेना, या इंट्यूटिव गाइड, इनकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कई बार होने वाली जो चीजें पहले ही इनको पता चल जाती हैं. जैसे मान लीजिए कि अभी मुझे किसी बच्चे ने बताया कि उसकी मम्मी क्या खाना बनाने जा रही है, वो उसकी मम्मी को बता देता है कि मम्मी आप ये खाना बनाने जा रही हो, इस तरह से. तो वो उनके माइंड की रीडिंग करके पहले से प्रिकॉग्निशन कर लेता है कि क्या होने वाला है. ये बच्चों को कैसे मदद कर सकती है चीज पढ़ाई में? नहीं, स्कूल में कंपटीशन की एज में? हाँ, देखिए, मैंने ये बेसिकली ये सिखाने का मतलब कोई इनके इस तरह की मैजिकल चीजें दिखाना तो नहीं है, लेकिन इसके बाद में बच्चों के अंदर इनकी इंट्यूटिव फैकल्टी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि इनको ऑटोमेटिकली जो है ये किताब को अगर खाली एक बार स्कैनिंग भी कर लें तो भी इनके दिमाग में किताब बैठ जाती है खाली स्कैनिंग करने से, क्योंकि इनके अंदर एक फोटोग्राफिक मेमोरी होती है. जो हमारा सबकॉन्शियस, जो हमारा राइट ब्रेन है, वो हमेशा विजन के रूप में उस चीज को लेता है, जबकि हमारा लॉजिकल ब्रेन लैंग्वेज के रूप में लेता है हमेशा. इस तरह से होता है उसके अंदर. परीक्षित, दो मिनट होने वाले हैं, आप चाहें तो और समय ले सकते हैं, उसमें हमें दिक्कत नहीं है. कौन सा कलर? ये सारा कलर करने जा रहे हैं बेटे?
बिल्कुल, उनका कहना है कि वो पूरी तरह से इसको रिस्ट्रक्चर कर देंगे। अच्छा। सारे कलर्स हर वॉल पर एक ही कलर आ जाएगा। अच्छा, हर तरफ से। और काफी तेजी से आप चल रहे हैं परीक्षित के, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हो गया अपने काम को। क्या बात, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो एक बार हम अपने सारे दर्शकों को दिखा देते हैं कि ये देखिए, हमने सारे कलर्स मिक्स करके उनको दे दिए थे, और ये हर तरफ आप देख सकते हैं, सब जो कलर्स होने चाहिए जिस तरीके से होने चाहिए उस तरीके से आ चुके हैं इस वक्त। ये देखिए, इधर सफेद है और इधर पीला है। इन्होंने वाकई 2 मिनट से कुछ ही सेकंड ऊपर लिए, और उसमें उन्होंने वो काम कर दिखाया जिसका उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था। जरा मैं आपसे पूछूं, आप इसको टच कर लीजिए, आप फिर से पकड़ लीजिए। अब आप मुझे बता सकते हैं किस कलर पर आपने उंगली रखी है? ग्रीन। ग्रीन कलर पर आपने उंगली रखी है, और घुमा दीजिए इसको, मैं थोड़ा सा और घुमा दूं। अब बताइए ऊपर? येलो। येलो कलर है ऊपर। अच्छा, उसके बाद अब? रेड। अच्छा, आप तो सोचने का भी समय नहीं ले रहे हैं। व्हाइट। बहुत बढ़िया, इसके लिए तो आपको परीक्षित के लिए जाने बजानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने हर कलर जो है वो एकदम सही सही बता दिया है। और कलर सही बताना तो फिर भी बहुत छोटा काम है, मैं तो अब तक ये सोच रहा हूँ कि इन्होंने इसको पूरा बना कैसे दिया इतनी जल्दी 2 मिनट के अंदर अंदर। मृदुल, आपसे भी हम टेस्ट कर सकते हैं? यस। चलिए, मेरे पास कुछ चीजें हैं, मैं निकालता हूँ एक एक करके। यहाँ पिटारा है एक, उसमें कुछ चीजें हमने छुपा के रखी है, और वो आप ही के लिए छुपा के रखी गई है मुझे लगता है, ताकि आप जो है हमें बताते रहे कि उसमें से हमने क्या क्या आपके सामने रखा। कलर्स भी बता देंगे आप उसमें से? पक्की बात। चलिए, तो मैं सबसे पहले आपके सामने कुछ रख रहा हूँ, अब आप बताइए कि मैंने क्या रखा आपके सामने। एक पिंक बटन। पिंक बटन रखा मैंने आपके सामने। अच्छा, चलिए, ये तो आपने सही बता दिया आपने। अब मैं एक और चीज आपके सामने रख रहा हूँ, अब बताइए कि हमने आपके सामने क्या रखा। एक ब्लैक बटन। अच्छा, अब भी ब्लैक बटन ही है। चलिए, तो अब एक चीज और रखते हैं वापस आपके सामने। अब हम आपके सामने फिर एक नई चीज रखते हैं, और फिर इनसे पूछते हैं कि हमने इनके सामने क्या रखा। अब बताइए हमने क्या रखा आपके सामने। एक रूबिक्स क्यूब। ये रूबिक्स क्यूब है। अच्छा, और इसके ऊपर सबसे ऊपर कलर कौन सा है? ऑरेंज। ऑरेंज कलर है। और अब कौन सा कलर है? ब्लू। और अब रेड। एक चीज और रखता हूँ मैं आपके सामने, फिर आप बताइएगा कि हमने आपके सामने क्या रखा है। ये हमने आपके सामने इसको रख दिया, ग्रीन बॉल। ये ग्रीन कलर की बॉल है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो सब चीजें तो आप बताते चले जा रहे हैं कि आपके सामने हमने क्या क्या रखा है। एक काम और करते हैं, मैं एक एक चीज और टेस्ट करके देख लेता हूँ। ये हमने आपके सामने अब कुछ रखा है, अब बताइए क्या रखा है। एक हैंकरचीफ। एक हैंकरचीफ रखा है, बहुत बढ़िया, इसके लिए ताली बजा दीजिए आप। अच्छा मृदुल, आप ध्रुव आपके साथ बैठे। ध्रुव जी, आप क्या करते हैं खास चीज? बुक रीड करता हूँ मैं। तो आप बुक अपनी रीड करते हैं या मैं कोई बुक दूंगा तो वो भी रीड कर देंगे? कोई भी दे दीजिए। पक्की बात है? हाँ जी। तो